हाँ जी, तो ये है इंट्रोडक्शन टू मेलर लाइट, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर सकते हो अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए, सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए, सास प्रोडक्ट, डिजिटल गुड्स, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको सर्च करना है मेलरलाइट ऑन गूगल। तो इसके मैं आपको बेसिक फंक्शनैलिटीज़ या बेसिक चीज़ें बताऊँगा क्यों आपको ये यूज़ करना चाहिए अगर आप एक्सक्यूमल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने की सोच रहे हो। तो मेलरलाइट क्यों चूज़ करना चाहिए, तो पहले तीन चार पॉइंट्स देख लेते हैं जो मुझे लगते हैं बेटर है इसमें इन कंपैरिजन टू अदर्स। सबसे पहली चीज़ होती है इसकी डिलीवरेबिलिटी रेट। इसकी डिलीवरेबिलिटी रेट 85+ है, मतलब अगर आप 100 ईमेल्स भेजोगे तो 85 से ज़्यादा ईमेल्स के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जो है इनबॉक्स में लैंड होंगे कस्टमर्स के प्राइमरी बॉक्स में। बाकी ईमेल्स कैसे लिखते हो वो सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट बेसिकली ये सॉफ्टवेयर अच्छा इसे सेंड करोगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, इसका फ्री प्लान बहुत अच्छा है। फ्री प्लान में आपको 1,000 सब्सक्राइबर्स ऐड करने का मतलब वो मिल जाता है, बैंडविड्थ मिल जाती है, और 12,000 ईमेल्स यानी 12,000 ईमेल्स जो है पर मंथ सेंड कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस भी है की फीचर्स, बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपको मेन तो इससे मतलब होता है। अगर आपको सेल्स करनी है और आपको कार्ट अबेंडेंट रिकवर करने हैं तो 1,000 सब्सक्राइबर्स बहुत होते हैं स्टार्ट करने के लिए, और 12,000 ईमेल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी एक बंदे को अगर 12 ईमेल्स भेजोगे तब भी सही निकल जाता है। तीसरी चीज़ है इसकी ऑटोमेशन में अगर आप जाओगे तो ऑटोमेशन बड़ी इजीली सेटअप हो जाती है, और इसमें ठीक ठाक से ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रैच से कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स जीतने हैं आपको नॉर्मल वाले, डेमो कॉल इनविटेशन एडवांस, या फिर नीचे आओगे तो अबेंडन कार्ड ई कॉमर्स के लिए, परचेज स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाले ईमेल्स, नॉर्मल ईमेल्स, ये सारे अच्छे बना सकते हो। अगर आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करोगे, फॉर एग्जांपल मैं ये टेस्टिंग लेके नाम बताता हूँ, इस पर पूरा फुल फ्लैज वैसे बनना चाहिए बट मैं आपको नॉर्मली इसके ऑप्शन दिखा रहा हूँ। तो ट्रिगर्स जो बहुत सारे हैं वो है कि कोई ज्वाइन ग्रुप करता है, कोई आप इसका पॉपअप लगा सकते हो, कोई लिंक क्लिक करता है, या कोई फील्ड भरता है एनिवर्सरी या कोई एक्सेट, ये सारे तरह के इसके ऑप्शंस हैं, अच्छे हैं ऑप्शंस हैं। तो ईमेल ऑटोमेशन भी इसमें बड़ी सिंपल है और इजी है किसी बिगिनर के लिए यूज़ करने के लिए। बाकी बहुत इजी सा सिस्टम है इसका, बट हाँ आपको अगर इसकी डिलीवरेबिलिटी रेट बढ़ानी है तो अभी एक अपडेट आया है याहू और गूगल का कि आपको अपने डोमेन ऑथेंटिकेट करने पड़ेंगे। तो आपको अकाउंट सेटिंग में जाके डोमेन्स में जाना पड़ता है और यहाँ पे अपना डोमेन ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, तब जाके आपकी डिलीवरेबिलिटी रेट अच्छी आएगी, इससे अदरवाइज़ आपके स्पैम में लैंड हो सकते हैं ईमेल्स। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और ईमेल मार्केटिंग सोच रहे हो करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर लें, गो विथ मेलर लाइट। मेल चिम से बेटर है, मेल चिम मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, मेल चिम से ज़्यादा बेटर है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और मार्केटिंग रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए तो आप edmfeed.com पर जा सकते हो, ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो बहुत सारे जो आपको हेल्पफुल होंगे लीड जनरेशन या दूसरी सेल्स बढ़ाने के लिए अपने स्टोर के या बिज़नेस की लीड जनरेशन करने के लिए। अदरवाइज़ आपको स्टोर पे जाना पड़ेगा, और फेसबुक ऐड सीखनी है तो यहाँ से सीख सकते हो, और लिंक्डइन ऐड स्ट्रेटजीज़ को सीखनी है तो यहाँ से सीख सकते हो। बेसिकली ऑर्गेनिकली कैसे क्लाइंट एक्वायर करें, और भी इस पर स्ट्रेटजीज़ आती रहेंगी। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।